बनने पर इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। खबर वाराणसी से, जहां बीएचयू पर निगम का करोड़ों का बकाया और निगम के बड़े बकायेदारों की सूची में बीएचयू 48.65 करोड़ रुपए का संपत्ति कर बकाया है और बीएचयू को नगर निगम ने नोटिस दिया। इसे लेकर 15 दिनों में टैक्स जमा करने की अपील भी की गई है। तो निगम के बड़े बकायेदारों की सूची में बीएचयू, बताते चले आपको, 48.65 करोड़ रूपये की संपत्ति बकाया है और इसे लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बीएचयू को नगर निगम ने नोटिस भेजा है और 15 दिनों में टैक्स जमा करने की अपील की है। खबर लखनऊ से, जहां यूपी में हर परिवार को रोजगार देने के लिए पोर्टल तैयार और एक परिवार एक पहचान बनवाने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। हर घर से एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी इस पोर्टल के जरिए और पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में लेखपाल और ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो इसका सत्यापन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते चले कि यूपी में हर परिवार को रोजगार देने के लिए पहल और एक पोर्टल तैयार किया गया है। एक परिवार एक पहचान बनवाने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। इसके जरिए हर घर से एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने की जो है वो कवायद की जाएगी, सुविधा मिलेगी और पोर्टल पर ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। खबर लखनऊ से, जहां मुस्लिम युवाओं को जोड़ने के लिए लगेंगे रोजगार मेले और पसमांदा मुस्लिमों को जोड़ने की मुहिम तेज होती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पसमांदा मुसलमानों पर विशेष फोकस और करीब 4000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी और इससे लेकर रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है। लखनऊ से खबर आपको बताते चले, मुस्लिम युवाओं को जोड़ने के लिए रोजगार मेले का आयोजन होगा। पसमांदा मुस्लिमों को जोड़ने की मुहिम तेज होती हुई नजर आ रही है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, लखनऊ में एलिवेटेड फ्लाईओवर का आज लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। नगराम रेलवे उपरगामी सेतु का भी लोकार्पण होगा। तो लखनऊ में एलिवेटेड फ्लाईओवर का आज लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका लोकार्पण करेंगे। आसान होता हुआ सफर नजर आएगा लोगों की और बताते चले आपको, लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। साथ ही नगराम रेलवे उपरगामी सेतु का भी लोकार्पण होगा। शहीद पथ से एयरपोर्ट जाना आसान हो जाएगा। लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार काम चल रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से कई इलाकों में फ्लाई ओवर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। और इसी कड़ी में आज लखनऊ के शहीद पथ से एयरपोर्ट तक फ्लाई ओवर का लोकार्पण किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नगराम रेलवे उपरगामी सेतु का भी लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री जितेन प्रसाद, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह समेत सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह और एमएलसी मुकेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो एलिवेटेड फ्लाई ओवर का आज लोकार्पण, बताते चले अब जो सफर होगा वो आसान होगा। शहीद पथ से एयरपोर्ट जाना आसान होगा। लाखों लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलने वाला है और सेतु निगम में साल 2018 में शुरू किया गया था। 2 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, इसकी खासियत भी जानिए। निर्माण में करीब 134 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहीद पथ से एयरपोर्ट जाना इसके जरिए आसान हो जाएगा। तो शहीद पथ से एयरपोर्ट को जोड़ने वाले फ्लाईओवर, सुल्तानपुर रेलवे सेक्शन पर बने नगराम रेलवे ओवरब्रिज और साथ ही आज इसका लोकार्पण किया जाएगा। और संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। आलोक, देखिए आज इसका लोकार्पण होने वाला है, सीएम योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह इसका लोकार्पण करेंगे। कितनी सुविधा अब लोगों को मिलेगी?